नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ अलोस्पेयर इज फिल्ड विद वाटर थ्रू अ स्मॉल होल इन इट देन इट इज हंग बाय अ लॉन्ग थ्रेड एंड मेड टू ऑसिलेट एज द वाटर स्लोली फ्लोज आउट ऑफ द होल एट द बॉटम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल हमारे ऑप्शन हैं कंटिन्यूसली डिक्रीज कंटिन्यूअसली इंक्रीज फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू या फिर फर्स्ट इंक्रीज लाइक थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज टू ओरिजिनल वैल्यू अगेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है अच्छे स्टूडेंट ही इस बात को समझ पाते हैं अगेन अपना सिनेरियो यह है कि यह आपका एक स्फ़ेयर है और इस फेयर के अंदर हमने पानी भर दिया है लाइट इसके अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ से यहाँ और ये यह मान लीजिए ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे और यहाँ पे एक छोटा सा छेद है उस छोटे से छेद से पानी आपका ड्रिप कर रहा है टप 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 करके पानी टप के जा रहा है ना सवाल ये कि ओरिजिनली व्हेन वी स्टार्टेड इसका टाइम पीरियड टी था धीरे 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 इसका टाइम पीरियड सवाल ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होएगा डिक्रीज होएगा पहले का घटेगा फिर बढ़ेगा बढ़ के ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी या पहले ऑल इसका सवाल ये है कि अपना जो टाइम पीरियड टी है उसको हम लिखते हैं टू अंडर रूट एल बाय जी अलाइट ये फार्मूला लोगों ने याद तो कर रखा होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग समझ की कमी होती है ये जो अपना एल है ये एक्चुअली आपका एल सी ओ एम है एल सी ओ एम ए आपका जो आपका हिंज पॉइंट है उस पॉइंट से आपका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है तो आपका जो एल सी ओ एम है लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ये आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वेन वी स्टार्टेड ये आपका एल सी एम ऊपर है ना जैसे जैसे पानी गिरेगा इसमें से आ, पानी की लेयर ऐसे ऐसे कम होती जाएगी आपका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरह शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की आपकी लोकेशन जो है हिंज पॉइंट से बढ़ जाएगी यानी कि आपका एल सी एम बढ़ जाएगा इफ़ दैट इज द केस तो इनिशियली टाइम पीरियड आपका इंक्रीज़ होएगा ओलिंग इंक्रीज right? तब तक होएगा जब तक इसमें पानी टपक रहा है उसके बाद जब आपकी पूरा ये मटकी या पूरा आपका स्क्यर खाली हो गया उस केस में आपका आ, सेंटर मास फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा और उसके बाद टी आपकी देन टी आपका ओरिजिनल वैल्यू को वापस ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा ओलिंग सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर कि इसमें टाइम पीरियड पहले इंक्रीज करेगा देन इट विल डिक्रीज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू